गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑल राइट बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद लेंस फॉर्मूला एंड विल बी पिकिंग अप न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला टुडे इटसेल्फ। लास्ट क्लास बच्चे वी हैड फिनिश्ड अप रे डायग्राम्स इन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो हम कर चुके हैं। सो बच्चे वी आर गोइंग टू टुडे पिक अप लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट सो बच्चे, बिफोर वी स्टार्ट अप आई विल जस्ट राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला फॉर यू। थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा मिरर फॉर्मूला से। द लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1f 1 बाय f is equal to 1 by v minus 1 by u. All right, this is the lens formula. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. On magnification ka hum kya formula likhenge iska? Magnification is equal to v by u equal to h I over h o. All right, this would be the formula. Okay, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, and magnification would be equal to v by u is equal to h I over h o. All right, ab bache isme jo v u h I h o everything is same as in mirror formula. Jaise humne mirror formula mein discuss kiya tha, f denotes focal length, v denotes image distance, u denotes object distance, HI will denote height of image, HO will denote height of object. अब बच्चे, how do we use Cartesian signs in lens formula? Lens formula में हम Cartesian sign कैसे use करेंगे? So let's say suppose this is our lens, okay? Let's say this is our lens. ये इसकी principal axis हो गई, all right? So बच्चे, same thing we will use. वही सेम प्रिंसिपल यहां यूज होता है। वेन एवर यू आर मेजरिंग डिस्टेंसेस, इफ यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट, हमेशा आपको ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है। इफ यू गो लेफ्ट, डिस्टेंस मेजर्ड विल बी नेगेटिव। अगर आप राइट साइड पे जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस मेजर्ड विल बी पॉजिटिव। अगर आप बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड जाओगे पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे की साइड जाओगे तो नेगेटिव। ऑलराइट, सो बच्चे इन केस ऑफ लेंसेज, वेदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किधर होगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे अपराइट प्लेस होता है। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू विल बी नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव होगा वेदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चे व्हाट अबाउट इमेज डिस्टेंस, इफ इट्स अ रियल इमेज, अगर रियल इमेज होगी तो वो अदर साइड पे इन्वर्टेड बनेगी, इट विल बी फॉर्मड ऑन द अदर साइड एंड इट वुड बी इन्वर्टेड। ऑलराइट, तो बच्चे इस केस में फॉर अ रियल इमेज के लिए वी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इन केस ऑफ लेंसेज रियल इमेज v would be positive, पर अगर बच्चे वर्चुअल इमेज बनी है तो वर्चुअल इमेज तो ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बनेगी, लाइक दिस वर्चुअल इमेज इधर ही बनेगी। सो बच्चे इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो बच्चे वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। इन केस ऑफ लेंसेज वर्चुअल इमेज, ठीक है, डिस्टेंस क्या आएगा? वी वुड बी नेगेटिव। ऑलराइट, वर्चुअल इमेज के केस में वी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब बच्चे लेट्स टॉक अबाउट रियल फोकस, फोकस रियल इमेज की साइड होगा, तो अगर रियल फोकस है जैसे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस में होता है, रियल फोकस वैल्यू वुड बी पॉजिटिव। बट इफ इट इज वर्चुअल फोकस, अगर वर्चुअल फोकस है तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू वुड बी नेगेटिव। ऑलराइट, तो बच्चे लेंस में मिरर से थोड़ा सा केस जो है वो रिवर्स हो गया।
अगर आप मिरर में वर्चुअल इमेज लेते हो तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होता है, रियल इमेज सॉरी अगर आप वर्चुअल इमेज लेते हो तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, रियल इमेज का मिरर में नेगेटिव होता है, लेंसेज में रिवर्स हो गया। मिरर में अगर रियल फोकस है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, पर लेंस के केस में रियल फोकस है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। रेस्ट, हाइट ऑफ इमेज इफ इट्स रियल इट वुड बी नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे मिरर के अंदर है। मैग्निफिकेशन का भी वही सेम फंडा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बच्चे इज दिस क्लियर, ये सबको समझ आ गया कार्टेशियन साइन कैसे यूज करेंगे? ऑल राइट, चलो ओके। सो बच्चे अब हम क्या करेंगे, विल बी पिकिंग अप सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेंस फॉर्मूला के करेंगे। ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, लेट्स पिक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Alright. We start up with a simple question to begin with. एक simple question के साथ start करेंगे. Alright. So बच्चे in this case, you have a convex lens. आपके पास एक convex lens है. तो बच्चे convex lens क्या करता है? Convex lens real image बनाता है. Unless object is between optical center and focus. राइट नहीं तो ये पूरे केसेस में क्या बनाएगा, रियल इमेज। तो बच्चे यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। बच्चे वी विल राइट इट एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि इसका रियल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो बच्चे 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, तो बच्चे दिस वुड बी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चे वॉल स्क्रीन की तरह वर्क करेगी। वॉल कैसे वर्क करेगी, स्क्रीन की तरह। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो बच्चे यहां आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, आपसे यह बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखा जाए ताकि जो इमेज है वो वॉल पे बने। तो बच्चे वॉल का तो हमने इमेज डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस लिख लिया 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे आई विल यूज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चे वही चीज है, इसको रीअरेंज कर लो, यू को इधर ले आओ, एफ को इधर ले आओ। तो बच्चे इफ आई रीअरेंज, अगर मैं रीअरेंज करूं तो माय फॉर्मूला बिकम्स 1/u इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ऑलराइट, अब बच्चे वैल्यूज पुट करके देखिए। सो 1/u इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है बच्चे, पॉजिटिव, रियल इमेज है 1/12, फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये जस्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ही है फॉर्मूला में, ये प्लस में नहीं होएगा क्योंकि माइनस में ही आपका जो फॉर्मूला है वो है। ऑल राइट, तो यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, टेक आउट द एलसीएम, एलसीएम वुड बी 60। ऑल राइट, सो 1/u इज इक्वल टू 60 एलसीएम, सो 12 5s are 6s are। All right. तो बच्चा this means u is equal to minus 60 centimeter. तो बच्चे object distance negative में आएगा। All right. So object distance u is equal to minus 60 centimeter. All right. Object distance is equal to minus 60 centimeter. चल. I hope this is clear to everybody. ओके, ऑल राइट, चलो लेट्स पिक अप नेक्स्ट क्वेश्चन।
All right. Let me pick up question number three. पहले initially बच्चे सारे convex lens के ऊपर questions हैं. We'll try to solve them. चलो. So this is our question. Object 4 centimeter high. Object 4 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. तो बच्चे यहाँ height of object आपको दी हुई है. Height of object is 4 centimeter. इसको positive में ही लिखेंगे. Upright object होता है हमेशा. It is placed at a distance of 10 centimeter. U is minus 10 centimeter. U की value हम क्या लेंगे बच्चे? Minus 10 centimeter. फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चे कॉन्वेक्स लेंस का, तो यू विल टेक इट एज पॉजिटिव क्योंकि इसका रियल फोकस है. इट हैज अ रियल फोकस. ऑलराइट, सो इट वुड बी टेकन एज 20 सेंटीमीटर. ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 10, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो बच्चे यू हैव टू फाइंड वी, you have to find hi. okay, hi find karna hai. chalo, let's try to find this out. to sabse pehle bache v find out karenge. sabse pehle v nikalenge. okay, to yahan lens formula likhenge bache. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. this is our formula. ऑलराइट, फाइंड क्या करना है मुझे? वी फाइंड करना है. तो आप ऐसा कर सकते हो, वी को यहीं रखो, यू को उधर ले जाओ. सो वन बाय वी, वन बाय एफ प्लस वन बाय यू. हमेशा बच्चे कोशिश करो कि पहले फॉर्मूला रीअरेंज कर लो तो कंफ्यूजन कम होगी, वैल्यूज सही जाएंगी, सिंबल में गड़बड़ नहीं होगी, साइन में गड़बड़ नहीं होगी. ऑलराइट, अब बच्चे वैल्यूज पुट करिए. v फाइंड करना है तो 1 बाय वी. ऑल राइट, वॉट इज f? f की क्या वैल्यू है? 20. u की वैल्यू माइनस 10. तो बचे 1 बाय 20 माइनस, ये बचे यहां प्लस है और u की वैल्यू नेगेटिव में है तो यहां माइनस आ जाएगा 1 ओवर 10. एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम विल बी 20. LCM would be 20. 10 or 20 का LCM 20 आ गया. तो V is equal to 20 over. All right. One minus two. All right. So that means बच्चे V will be equal to minus 20 centimeter. बच्चे v की वैल्यू क्या आई? माइनस 20 सेंटीमीटर. वन माइनस टू. बच्चे इसका ये मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है. लेट्स ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बिल्कुल सही बच्चे, देखो फोकस 20 है. फोकस इज 20. फोकस कितना है? 20. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 10, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, तो बच्चे आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी. सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम. ये वैल्यू बिल्कुल सही है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज. ऑलराइट, अब बच्चे लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज. कोशिश करते हैं निकालने की. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता लग गया, यू पता है, वी पता है. चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. बच्चे हाइट ऑफ इमेज वुड बी इक्वल टू वी ओवर यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला बन गया. यहां वैल्यूज पुट करिए. अब एच आई वुड बी इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है? माइनस 20. ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? माइनस 10. What is the height of object?
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर. ओके, तो माइनस माइनस 2. ओके, दैट्स इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देखो, दिस इज प्रूविंग इट इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि बच्चे देखो हाइट भी पॉजिटिव आई है. ऑलरेडी हम वी को नेगेटिव में निकाल चुके हैं, वर्चुअल इमेज है, तो बच्चे यू शुड गेट हाइट ऑल्सो इन पॉजिटिव. तो ये बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट देखो 4 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन इज डबल, डबल दी साइज. ठीक है बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीबडी? चलो लेट्स पिक अप अनदर क्वेश्चन नाउ. थोड़े पहले कॉन्वेक्स लेंस से ही करते हैं. ऑलराइट, ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. चलो बच्चे, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. यहां आपको मैग्निफिकेशन दे दी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ निकालनी है. ऐसा क्वेश्चन हमने मिरर में भी किया था. तो बच्चे यहां इन्वर्टेड इमेज बनी है मैग्निफाइड 3 times. तो बच्चे मैग्निफिकेशन ऑफ अ रियल इमेज इज इक्वल टू -3, नेगेटिव में होगी -3. ऑलराइट, देन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. सो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -15. यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी. ऑलराइट, तो बच्चे यहां क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, वी भी नहीं मुझे पता, तो मुझे वी भी फाइंड करना पड़ेगा. आई वुड हैव टू फाइंड वी ऑल्सो, वी भी नहीं पता. तो बच्चे अब यहां आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी ओवर यू. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, मैग्निफिकेशन इज -3, वी की वैल्यू इधर से आ जाएगी, यू की वैल्यू है -15. ऑलराइट, सो वी इज इक्वल टू पॉजिटिव 45 सेंटीमीटर. तो बच्चे वी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में. ऑलराइट, तो बच्चे वी की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर. अब बच्चे आप इससे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u. ऑलराइट, तो बच्चे v और u की वैल्यू दी हुई है, इसमें से फोकल लेंथ निकालिए. सो 1/f इज इक्वल टू, बच्चे v की वैल्यू क्या है? 45. सो 1/45. U की वैल्यू देखिए नेगेटिव में है, तो ये प्लस हो जाएगी इधर. U की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस. तो 1/15. आई होप सबको समझ आ रहा है साइन कैसे चेंज हो रहे हैं. ऑलराइट, सो 1/45 प्लस 1/15. इसका बच्चे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम एलसीएम आ गया. सो एफ वुड बी इक्वल टू 45/1+3, दैट्स इक्वल टू 45/4. तो बच्चे इट वुड बी इक्वल टू 11.
44 पॉइंट लगाया, 1 आ गया तो 11.09 No, sorry. 411 is 44.1 Okay. 11.25 कितना आंसर आ रहा है बेटा? 11.25 आंसर आएगा इसका. All right. 11.25 सेंटीमीटर. ठीक है. चलो. तो this question is done. देखो बच्चे, इस बार अरहम आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट आना है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा. तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हो सकता है आपको फ्रैक्शन में भी दिया हो आंसर, डेसिमल में भी दिया हो. वैसे तो सब्जेक्टिव में हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते कभी भी, पूरा उसको डेसिमल में कितना बनेगा आंसर वो लिखना है. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको फ्रैक्शन में भी दिया हो, पर मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, डेसिमल्स में दिया होगा. क्या करेंगे, आसपास की वैल्यू होगी, जैसे 11.10, 11.25, 11.29, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलो ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन करके देखते हैं. ओके चलो, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 12. ऑल राइट बच्चे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जो है बच्चे, हैंड लेंस की तरह भी यूज होता है, राइट. तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर A convex lens of focal length 6 centimeter. Focal length kitna hai? 6 centimeter. All right. It is held 4 centimeter from a newspaper. To bache, yahan object distance aapko diya hua hai 4 centimeter. Okay. 4 सेंटीमीटर माइनस 4, विच हैज अ प्रिंट साइज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर. तो बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो उसको आप, एचओ, प्रिंट का जो साइज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो 0.5 सेंटीमीटर. बाय कैलकुलेशन डिटरमिन द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड. तो बच्चे आपको क्या करना है, वी फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ द इमेज HI. All right. तो बच्चे यहां जो साफ पता लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप मैग्निफाइड इमेज देखोगे जो वर्चुअल होगी. All right. तो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले V फाइंड कर लेते हैं. So 1 by V is equal to 1 by F. Plus 1 by u. 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. अब अच्छे इसमें values put करिए. 1 by v is equal to, f की value कितनी है बच्चे हमारे पास, 6 centimeter positive, it is a convex lens, plus, और यहां minus है, तो minus 4. तो बच्चे v की वैल्यू क्या आएगी, इसका एलसीएम देखिए, 6 और 4, 12, एलसीएम वुड बी 12,
कॉमन, तो बचे 2 माइनस 3, तो V इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। बचे वर्चुअल इमेज बनी है तो V की वैल्यू क्या आ गई माइनस में, -12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब इसमें बचे आपको साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, तो बचे साइज ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है U है V है। ऑलराइट, तो बचे साइज ऑफ इमेज वुड बी एच आई इज इक्वल टू V ओवर U इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, वैल्यूज पुट करिए, V की वैल्यू क्या है -12, U की वैल्यू क्या है -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.5। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बन गई, थ्री इंटू 0.5 है बच्चे 1.5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन देखिए, 3 times मैग्निफिकेशन है। ऑलराइट, 3 times, इट्स अ वर्चुअल इमेज, तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम्स द वैल्यूज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड दे आर ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही वैल्यूज है। ऑलराइट, चलो ओके, ऑलराइट, चलो बच्चे, अब बच्चे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन कॉनकेव लेंस, अभी तक हमने सारे कॉन्वेक्स लेंस पे किए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉनकेव लेंस। यहां बच्चे जो फोकल लेंथ होगा क्या हो जाएगा, द फोकल लेंथ वुड बी नेगेटिव बिकॉज इट हैज अ वर्चुअल फोकस, द वैल्यू वुड बी नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो बच्चे यहां अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन इज सेइंग अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू -30, यू की क्या वैल्यू है -30, and it produces an image 20 centimeter from the lens. तो बच्चे virtual image बनेगी, it is a concave lens, इसमें real image बनती नहीं, तो इसका distance क्या होगा -20 centimeter। What you have to do, you have to calculate focal length निकालेंगे। All right? तो बच्चे इस question के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, आपको U की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू पता है, F निकालना है। तो बचे F, 1/F इज इक्वल टू 1/V - 1/U, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ जाएगा 1/F इज इक्वल टू, V की वैल्यू बचे नेगेटिव में ही है -20, एंड बचे यहां माइनस है, यहां माइनस है U में भी, तो इट वुड बी +1/30। ऑलराइट, तो बच्चे यहां फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, फोकल लेंथ वुड बी एलसीएम इज 60, एलसीएम वुड बी 60, तो 3 + 2, मैंने क्या गलती की, माइनस में आएगा, राइट, -3 + 2। ऑलराइट, तो बच्चे दिस वुड बी इक्वल टू -60 centimeter। बच्चे इट इज अ वर्चुअल फोकस, इट इज अ वर्चुअल फोकस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, -60 centimeter। बच्चे जस्ट अ मोमेंट, तो
तो बच्चे जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो क्या आएगी, इट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे वर्चुअल फोकस है तो यहां क्या होगा, आपको नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं, लेट्स पिक अप सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके ऑलराइट, तो बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए, अ 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अ 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, हाउ मच इज द फोकल लेंथ। बच्चे ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरेटिकली है, आप इसको थ्योरेटिकली ही सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको आप मान सकते हो कि वो इन्फिनिटी पे है। ऑलराइट, ये तो एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। तो इसमें बोला गया है कि उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं क्या ले सकता हूं, इन्फिनिटी, बहुत दूर है। और बच्चे वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर क्योंकि ये वर्चुअल फोकस है। और बच्चे इस केस में अगर आप ध्यान से सोचो कि फोकल लेंथ कितना होगा, जहां आपका इमेज डिस्टेंस है वही आपका फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फोकल लेंथ वुड बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दैट इज -20। अब बच्चे अगर आपसे ये बोला जाए कि फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ तो हमने डिटरमिन कर लिया, कैन यू डिटरमिन साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर टॉल, कैन यू फाइंड हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया है, साइज तो बहुत छोटा ही आएगा, डिमिनिश्ड है, पर यहां मेरे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। ओके, लेट्स ट्राई करके देखते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v by u into height of object। तो बच्चे height of image कितनी होगी, तो it is -20 divided by infinity into 50 सेंटीमीटर। तो बच्चे anything divided by infinity क्या हो जाएगा, -1000 by infinity, so anything divided by infinity क्या वैल्यू होगी उसकी, जीरो, जीरो। तो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, राइट। देखो यहां प्रूव भी हो गया, सो दिस प्रूव्स यू विल गेट अ पॉइंट साइज इमेज, बहुत छोटी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज इमेज। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया ये, इट वॉज जस्ट टू चेक कि हम थ्योरेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, तो न्यूमेरिकली भी हमने करके देख लिया इसको। ऑल राइट, चलो ओके, ऑल राइट, अब बचे कोई साइज वाले पे देखते हैं, लेट्स पिक दिस वन। ओके, तो बच्चे इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
calculate the image distance for an object of height 12 millimeter. तो बच्चा यहाँ height of object कितना है 12 mm. Height of object is 12 mm. It is placed at a distance of 0.2 meter. Okay. Object distance is 0.20 meter. All right. From a concave lens of focal length. Okay, I have to take it as negative. Minus 0.20 meter. और बच्चे यहां focal length दिया हुआ है आपको minus 0.30 meter. All right. Okay. Calculate image distance and state nature and size. तो बच्चे v find करना है. All right. आप यहां height of image भी find करनी है. All right. So let's try to find out v first. तो v की क्या value होगी? So बच्चे 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. 1 by f plus 1 by u. Let's put the values. So बच्चे 1 by v f की क्या value है बच्चे? Minus 0.30. तो बच्चे it would be if I'm not wrong, okay, minus 100 by 30 plus minus, okay, minus 100 by 20. I'm converting it into centimeter. All right. अब बच्चे इसका LCM कितना आएगा? V would be equal to LCM is 60. LCM would be 60. All right. So minus 20, so minus 2000, minus 2000, minus 23, minus 300. Okay, so it would be 6. Yes, you can do it in centimeters. Centimeter mein convert kar sakte ho. Kyunki bache उधर मिलीमीटर दिया है, इसमें मीटर आ गया, फिर सारी गड़बड़ हो रही है. मैंने इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. ऑलराइट, तो बच्चे कितना आंसर आएगा इसका? इट इज v इज इक्वल टू माइनस 60 बाय 2300. ओके, वैल्यू तो बहुत छोटी आ रही है. अगर इसको मीटर में ही रखा जाता तो फिर क्या होता? बच्चे व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 60 डिवाइडेड बाय 2300. ओके, तो बच्चे इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.026, माइनस 0.026 मीटर्स. ओ सॉरी, नॉट मीटर्स, सेंटीमीटर. मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ऑल राइट, माइनस 0.026. ऑल राइट, अब अच्छे इधर आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज भी. तो हाइट ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? Height of image would be equal to V over U into height of object. All right. Height of image would be V by U into height of object. So V बचे आपके पास है minus 0.026 centimeter. All right. Let's put the values. HI, height of image. V की value है बच्चे minus 0.026. Minus 0.026 over. U की value क्या है बच्चे? मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. तो okay, you will multiply it by 100.
इट वुड बी 20 सेंटीमीटर, चेक करिए एक बार, इट वुड बी 20 सेंटीमीटर, 0.20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, बताइए बेटा 0.20 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया ना, तो 0.20 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब अच्छा मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मिलीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो ये बन जाएगा बच्चे 12 बाय 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ओके 1 सीएम इज 10 मिलीमीटर, करेक्ट. अब इसको आप 10 से करिए डिवाइड, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द आंसर, इट इज 0.026 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 10. तो मुझे मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैंने कैलकुलेटर पे निकाला है, दैट्स कमिंग आउट टू बी 0.00156 सेंटीमीटर, 0.00156 सेंटीमीटर. बहुत ही छोटी इमेज बनी है, एक बार चेक करिए सब. चेक वंस, मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चे 0.0156. चलो तो बच्चे इमेज का साइज तो बहुत छोटा ही बनना था, ऑलराइट, वो तो पता ही है. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. लेट मी जस्ट ओके. तो बच्चे यहां अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए एंड देन विल फिनिश अप द सेशन टुडे. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दोनों के लिए, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर बोथ. ओके बच्चे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है हमने, वी प्लेस दिस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस एंड देन अ डाइवर्जिंग लेंस. दोनों का फोकल लेंथ सेम है पर दोनों अलग अलग लेंसेस के आगे रखा है. ऑलराइट, सो फर्स्ट यू हैव एन ऑब्जेक्ट which is placed 20 centimeter from a converging lens. Okay. तो यहां बच्चे object distance आपको दिया हुआ है -20. Alright. अगर बच्चे converging lens है तो focal length positive होगा. तो it would be +15 centimeter. इस case में बच्चे image position और magnification find करनी है. तो पहले बच्चे कन्वर्जिंग लेंस के लिए सॉल्व करते हैं फिर डाइवर्जिंग लेंस के लिए सॉल्व करते हैं. तो बच्चे वी निकालना है, सो 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. ओके, पुट दी वैल्यूज. बच्चे एफ की वैल्यू कितनी है, 15, यहां प्लस है ये माइनस में है तो -1/20. एलसीएम निकालिए 15 और 20 का, इट विल कम आउट टू बी 60. 60 वुड बी एलसीएम. ऑलराइट, तो 4 -3
तो बच्चे वी वुड बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बच्चे फोकल लेंथ जो 2f है, 2f से आगे जानी चाहिए इमेज। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, तो 20 पे प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस उसके आगे जाएगा, डबल से भी आगे। तो आंसर सही है। मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन इज वी बाई यू, तो वी 60 है बच्चे, यू की वैल्यू -20, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस मींस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो एम इज इक्वल टू वी की वैल्यू देखिए कितनी है 60, यू की वैल्यू देखिए कितनी है 20, इट्स इक्वल टू -3, मैग्निफिकेशन वुड बी -3, 3 times, एब्सोल्युटली राइट। चलो आगे चलते हैं बच्चे, कैलकुलेट दी इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। किस केस में? डाइवर्जिंग लेंस। अब बच्चे डाइवर्जिंग के लेंस के केस में यू की वैल्यू -20 ही रहेगी, पर बच्चे फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस हो गया, सो फोकल लेंथ वुड बी ऑल्सो नेगेटिव, इट वुड बी इक्वल टू -15। ऑल राइट, वी फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। ऑल राइट, तो बच्चे अब यहां देखिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ऑल राइट, वैल्यूज पुट करिए, 1/v, f की वैल्यू क्या है बच्चे -15 प्लस माइनस ओवर 20, तो बच्चे दिस मींस v इज इक्वल टू LCM इज 60, एलसीएम 60 हो गया, -4 -3, सो वी इज इक्वल टू -60/7, तो बच्चे 60 को 7 से डिवाइड करिए, इट वुड बी इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर। राइट, -8.57 सेंटीमीटर नेगेटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि बच्चे वर्चुअल इमेज है। राइट, चलो अब मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू वी बाई यू, अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, -8.57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू की क्या वैल्यू है, -20। ऑल राइट, तो -8.57 डिवाइडेड बाय 20, दैट्स इक्वल टू 0.42। बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट इज अ कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस, नॉट कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, 0.42 मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ऑल राइट, 0.42, ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबडी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऑल राइट, चलो ओके ओके बच्चे, दैट्स इट। यहां हमारे लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं सारे, वी आर थ्रू विद लेंस फॉर्मूला आल्सो। बच्चे इन दिस चैप्टर नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस। तो बच्चे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे को, we'll be picking up refractive index and power of lens, and we'll be winding up with chapter on Friday. Friday ko bache hum ye apna chapter complete karenge. Is that clear everybody? Okay. Bache aap mein se abhi kisi ke preterm exam hue hain, board pattern ke test school mein exam hue hain abhi kisi bache ke? Anybody? किसी के एग्जाम हुए हैं? अर्चिशा सर हो रहे हैं अभी, हो रहे हैं सर, 21st से शुरू होंगे, 21st से शुरू हैं।
सर। ऑल राइट, तो आपका साइंस का पेपर कब है? ऑल राइट ओके 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 चलो। सो व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि मैं आपको एक जैसे बोर्ड पैटर्न का एक जो मैंने आपको एग्जाम देने हैं उसका एक जो पहला एग्जाम है फुल पैटर्न का, आई वाज प्लानिंग टू शेयर इट ऑन संडे। कब है? 29। ठीक है, तो बच्चे व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि अक्टूबर में मैं आपको तीन एग्जाम दूंगा फुल बोर्ड पैटर्न के। तो इफ एवरीबॉडी इज ऑल राइट विद इट आई विल शेयर द बोर्ड एग्जाम टेस्ट पैटर्न टेस्ट ऑन लेट्स से संडे। इज दैट ऑल राइट विद एवरीबॉडी? ओके, और मुझे एक चीज और बताइए कि जो वो टेस्ट होगा तो मैं आपको वो कैसे शेयर करूं, हाउ शुड आई शेयर इट विद यू? देखो उसकी मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा, पीडीएफ। ऑल राइट, आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? अगर बच्चे मैं उसको ऐप पे डालता हूं, इफ आई पुट इट ऑन दी ऐप, अगर मैं उसको ऐप पे डालूंगा तो मैं वहां टाइम भी सेट कर सकता हूं, वहां मैं टाइम भी सेट कर सकता हूं और ऑटोमेटिकली आपका जो है क्या रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं उसको ऐप में डालूंगा। ऑलराइट, ऐप में डाल दूंगा, आपके साथ मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐप में प्रॉब्लम आती है तो वो पहले पीडीएफ से देख के फटाफट अपने आंसर नोट कर सकता है, उसके बाद वो ऐप को खोल के उस टेस्ट पे जाके अपने आंसर क्लिक कर सकता है। पर बच्चे इट वुड बी ए टाइम टेस्ट, टाइम पे टेस्ट खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1.5 घंटे का बोर्ड का पेपर है तो मैं आपको वही उतना ही टाइम दूंगा ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई ये बात? आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड वे ऑफ टेस्टिंग व्हाट यू नो। ऑलराइट, और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आई विल सजेस्ट कि आप उसमें क्या करें कि आप बिल्कुल जैसे एग्जाम करते हैं वैसे ही करें उसको, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। 8 को भी पेपर है, 8 को भी पेपर है, अनेशा सिंह 8 को भी पेपर है। संडे को तो बच्चे कोई पेपर नहीं होना चाहिए, संडे को आपका कौन सा पेपर है? संडे इज नॉट 8th, संडे इज 10th ऑफ अक्टूबर। और जो आप मुझे सूटेबल टाइम बताएंगे मैं उसी टाइम पे शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि हमें 11 बजे भेज दीजिए या 10 बजे भेज दीजिए सुबह, तो आई विल सेंड इट एट 10 o'clock। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलो। सो बच्चे जब हम फ्राइडे को एक बार मिलेंगे तो तब हम डिस्कशन कर लेंगे टाइमिंग्स की एक बार, पर मेंटली आप बच्चे प्रिपेयर रहिए, रिवाइज करिए अपना सिलेबस। टिल अक्टूबर एंड मैं आपको 3 बोर्ड पैटर्न के टेस्ट दूंगा, ठीक है ना? ऑलराइट, चलो। ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग दी सेशन हियर, प्लीज कीप ऑन स्टडिंग।